अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल एस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक प्रॉपर्टी लाया हूँ जो फलकनुमा पैलेस, ताज फलकनुमा पैलेस के दामन में रहेगी। और ये प्रॉपर्टी आपको ज़मीन के हिसाब से मिल रही है, बना हुआ घर है और जो एरिया है पूरा बताऊँगा आपको। ये फलकनुमा पैलेस इन रोड से रहेगा और जो ओनर है यहाँ के पुराने हैं बहुत, और काफ़ी मिल्कियतें हैं यहाँ पर, जो स्कूल वगैरह है भाई के ही बता रहे हैं और काफ़ी पुराने हैं। और अभी जो ये प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, कोई एक मेरे को 800 गज़ की बाजू बाउंड्री बताया, उसमें अपार्टमेंट बनाना है, इस वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं। वो रहे काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी जायदादें हैं यहाँ, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल मशहूर एरिया है ताज फलकनुमा पैलेस का। नीचे जो आएगा इंजन बॉडी चौरस्ता बोला जाता है इसको, जहाँ अच्छे बहुत सारे स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, प्रोग्रेस कॉलेज, प्रोग्रेस स्कूल, और रिसेंटली ये रेड रोज मार्ट बोल के खुला है, काफ़ी बड़ा रेड रोज सुपर मार्केट खुली है। और ऐसे ही जाने पर आपको देखिए काफ़ी अच्छे बिल्डिंगा हैं और ज़रूरत के जितने चीज़ें हैं पूरे ये एरिया में अवेलेबल है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, ये बिल्कुल हम एरिया है। और ये देखेंगे आप आगे चलने पे बिल्कुल ये फलकनुमा पैलेस है जो मशहूर है, और इसी के बाजू में आपको बाज़ार नज़र आएगा तरकारी का, जिसको रितु बाज़ार कहा जाता है। उसी के बीच दोनों के बीच में जो रास्ता जाता है वो मदीना कॉलोनी, जो फेमस है और अच्छे रेटों में ज़मीन है यहाँ पर, अच्छी कॉलोनी मानी जाती है। और ये देखिए ताज पैलेस भी है, फंक्शन हॉल है, उसी के आगे चलेंगे आप, ये पेंशन ऑफिस मशहूर है फलकनुमा की। और इसी के आप आगे जाने पर दामन में घर रहेगा जो फलकनुमा पैलेस को लग के है बिल्कुल। तो आप जो भी देखिए पूरा और एक वीडियो, चीज़ आप लोग हमेशा जहन में रखिए, चैनल का काम सिर्फ प्रमोशन करना रहता है, हमको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बिकने की है हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप किसी तरह की भी डीलिंग करते हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए वेरिफिकेशन के लिए, हम कोई चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं अस्सलाम होते। वालेकुम, जैसा देखिए आपको मैं रोड पे से लाया हूँ उसी तरह आपको घर का पूरा डिटेल देता हूँ, जिस तरह हमेशा बोलता हूँ मैं आपको जब घर बता रहा हूँ या जो भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। थोड़ा बाजू बाजू का एनवायरनमेंट भी आपको बताना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और आइडिया भी हो जाएगा। ये देखिए एक बहुत पुरानी इमारत का घर है, इसको आप डिमोलिश कर कर भी बना सकेंगे, अंदर जाकर भी बताऊंगा, या फिर आप अभी प्रेजेंटली अगर रहना चाह रहे हैं तो रह सकते हैं। और जो सामने बिल्डिंगें बन रही है देखिए, रिसेंटली नए नए बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल ऑपोजिट घर के ये, और ये बिल्कुल लास्ट एरिया है, कोना है। तो ये देखिए रोड भी जर रही, आपको रोड बता रहा हूँ मैं, आजू बाजू के घर भी बताऊँगा। थोड़ा ये ऊंचाई पर है भाई थोड़ा सा, लेकिन ये पेंशन ऑफिस वगैरह जो है मशहूर एरिया फलकनुमा के, उसके दामन में आएगा। आप देखिए सामने आजू बाजू देखिए पूरे घर अच्छे घर बने हुए, पूरे पूरी लाइन अच्छी बनी हुई है। देखिए आप पूरे घर आरसीसी के हैं, और ये रोड बन रही है देखिए आप पूरा, ये देखिए आप रोड का काम, मैं अंदर आया हूँ पूरा काम चल रहा है, तो ये रोड डल जाएगी। ये अंदर आने के बाद ये जो घर है लास्ट में है, थोड़ा ऊंचाई पे है, लेकिन जो रेट भाई बता रहे हैं वो यहाँ की मार्केट रेट से कम है। वो इस वजह से कम है कि ये आखिरी में है और थोड़ा ऊंचाई पे है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि एरिया जो है ये मदीना कॉलोनी वगैरह मशहूर है और रेट्स ज़्यादा हैं यहाँ। तो मैं भाई से रेट भी लूँगा, ये पड़ोस का घर है बिल्कुल, और ये सामने बन रहा सो घर है, और ये रोड डेड एंड के हिसाब में है, कल के दिन रोड डल जाएंगी तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि रोड का काम चालू हो गया, मैं फिर बता दूँ आपको। और ये जो आगे दिख रहे हैं आपको कॉलेजेस स्कूल्स की बिल्डिंग है, वो भी आपको रास्ते में दिखेंगे, और ये थोड़ा ऊंचाई पे है इस वजह से इसका रेट भी कम रहेगा, आप गौर करिए एक बार। ये थोड़ा पार्किंग टाइप शटर है, भाई कने अभी चाबी नहीं है, तो ये भी खोल के बताएंगे अगर मौका पड़ा तो। ये देखिए पुरानी इमारत का घर है, थोड़े स्टेयर्स है भाई, और ये बहुत पुरानी इमारत है देखिए आप। तो अगर अभी भाई बिजी है तो अगर कोई इसको डिमोलिश करके भी बनाएंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, या अभी प्रेजेंट आप इसको कलर वगैरह करा के भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे साथ ओनर है, उनसे भी डिटेल लेते हैं। मैं जैसा इंटर हो रहा हूँ पहले ही बता चुका हूँ, ऊंचाई पे है और ये हॉल टाइप है, और एक रूम है, ना खोल दीजिए भाई। ये देखिए रूम अच्छा बड़ा है, ये भी दो तरफ अटैच रूमा है, ये जो यहाँ पर एक दीवान खाना टाइप है जो मेन डोर से अंदर आ रहे हैं आप, वहाँ से
और फिर ये आने के बाद एक हाउस है और ये किचन टाइप है, ये भी एक रूम है देखिए। फिर ये पुरानी गच्ची से बना हुआ है क्या भाई, दीवार पे है ना ये, यहाँ से स्टेयर से देखिए, डोर खोल दीजिए तो ये देखिए एंट्रेंस पे बालकनी है छोटी सी, यहाँ देखिए आप ऊंचाई पे सामने जैसा मैं बताया आपको घर वगैरह बिल्कुल वो फ्लोर है। ये अभी टेम्पररी कोई रहना चाहे तो रह सकते हैं, या बेहतर है आप तोड़ के बनाएंगे तो ये कॉलोनी में अच्छा घर बनेगा। ये बिल्कुल फलकनुमा के दामन में है भाई, तो स्टेयर्स भी है, ये देखिए स्टेयर्स चलने पे इन्वायरमेंट पक्का अच्छा है क्योंकि फलकनुमा पैलेस के दामन में है। ये देखिए आपको जो रास्ता है ये फलकनुमा जाने का रास्ता है पैलेस के अंदर, ऊपर से इन्वायरमेंट अच्छा है देख सकते हैं आप। ये पैलेस है फलकनुमा पैलेस, जो रूट फलकनुमा पैलेस को जा रही, और ये नेबर्स का घर है, नेबर्स के घर के बाद दो घर है, उसके बाद पैलेस की जगह चालू है। तो देखिए पुरानी इमारत है, अभी घट है लेकिन अभी चल सकती है, इसको आप कलर वगैरह करा लेंगे तो 100 गज पे है। मैं ओनर से डिटेल ले लेता हूँ, ये देखिए जो जगह का रेट बता रहे हैं उससे बेहतर है आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें। तो मेरे साथ ओनर भी है भाई, तो ओनर से बात करते हैं। भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है। सिराज भाई आप कहाँ रहते हैं? मदीना कॉलोनी में रहता हूँ भाई जी। ये घर एग्जैक्टली 100 गज पे है जी, इन्हें भी एग्जैक्ट मदीना कॉलोनी में चाहता जी। अपन रितु बाजार और फलकनुमा जब सीधा चल रहे हैं, ओल्ड गुडफेथ हाई स्कूल है ना, वो गली में आता है जी। आजू बाजू तो माशाल्लाह पूरे अच्छे घर बने हुए आपके, और यहाँ पानी का कैसा है सिस्टम? पानी का नल आता है यहाँ पर, और बोर तो नहीं है, कोई दलाई तो आएगा पानी जी, बहुत बेहतर आता। आजू बाजू बोर है क्या? है मोटर बहुत है यहाँ पर, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी दलाई, नहीं आप अगर कोई दलाएंगे तो आएंगे। तो इसके भाई अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो देखिए पैलेस के दामन में है, इसलिए आपसे वेरिफिकेशन करके बोलूँगा कि पेपर्स का कैसा है। बेफिक्र होइए, रजिस्ट्रेशन है जी, फुल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर लिंक डॉक्यूमेंट्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मदीना कॉलोनी के लग के आता है, मदीना कॉलोनी कहलाया जाता है। अगर ये गली गुडफेथ से अगर आप उधर जा रहे हैं तो 70,000-75,000 रुपये गज है जी। माशाल्लाह वो चीज़ का इल्म है मेरे को भी, इतना तो इल्म है भाई। डेड एंड है बोल के कम से कम मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक ऊंचाई पे भी आपका घर एक बैकवर्ड है और रोडा भी बन रहे हैं देखा मैं जी। तो अगर ये मतलब जो आपकी ऊंचाई पे है, आपके पड़ोस में भी ऐसी था बता रहे हैं आप ऊंचाई पे, वो लोग लेवल जी जी प्लस वन जो बना हुआ था उन्हें भी ऐसी था ऊपर, उसको डिमोलिश कर लेके सही तरीके से बना लिए, अपन भी वैसे ही कर सकते, सामने भी बन रहा बाजू भी बन रहा। माशाल्लाह मतलब जमीन लेवल भी करके इसको बना सकते आप बराबर। तो ठीक है भाई, आप डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आएंगे तो क्रॉस वेरिफिकेशन करके बता देंगे आप बिल्कुल, मेरे को फोन कर लीजिए, रितु बाजार कन भी आए तो मैं कॉल कर लेता, बता लेता हूँ मैं आपको जी। माशाल्लाह भाई रिप्यूटेड है ये एरिया, के ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नए नहीं है, आप लोग आइए वेरिफिकेशन करिए, बेहतर है। आपका काम आप करिए, किसी के ताल्लुकात या मेरे ताल्लुकात किसी के भी ताल्लुकात रहना ज़रूरी नहीं है। आप पेपर अच्छी तरह मालूमात करिए, मालूमात करके देख के 1-4 बार उसके बाद पेमेंट या आगे बढ़िए आप। तो भाई आप ये 100 गज की क्या उम्मीद कर रहे हैं रेट के ताल्लुक से? 42 लाख रुपीज़ बोल रहा हूँ इसमें, इंशाल्लाह बैठक में अगर चीज़ समझ में आए तो गुंजाइश है जी इंशाल्लाह। ठीक है भाई इंशाल्लाह। आपका फ़ोन नंबर? 7386 जी 392-786-786। तो माशाल्लाह अभी तो मतलब लोग थे इसमें, अगर रहेंगे भी तो किराया आ जाएगा कोई, अगर कलर वगैरह करेंगे तो। किराया जो है ना पुराने वाले 8,000 रुपये दे रहे थे, नहीं खाली करते भाई, रहने दो भाई रहने दो, किराया बढ़ाना चाह रहे थे, आपको बेचना है बोल के निकाल, बेचना है बोल के निकाल दिया। मड़की के 4,000 रुपये अलग से आ रहे थे, 8,000-12,000 रुपये आ रहा था मेरे को। मड़की का भी बहुत जने आके पूछ के गए, कुछ गोदाम के जैसा कुछ टेलर के वैसा, बहुत सारे लोग आए पर मैं नहीं दिया। आपको बेचना है फरोख्त करना है बोल के, नहीं बेहतर नहीं रहता बोल के। तो आपका नंबर और एक कोई रहा तो टाइटल में दे दीजिए आप लोग, आप देखिए जैसा है मैं बता रहा था, आप बिल्कुल इन्वायरमेंट अच्छा है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें, ये बिल्कुल पैलेस को लग के है दामन को, 2-3 घर बाजू में है और आजू बाजू बन चुका है, तो आप लोग आइए आके देखिए एक बार। भाई यहीं अवेलेबल रहते, यहाँ के एरिया के रिप्यूटेड है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नए नहीं है, तो आप आइए आके देखिए अच्छी तरह, मुतमइन होने के बाद आगे बढ़िए। भाई कुछ बता रहे थे आप, मतलब अच्छी तरह पूरा नीचे करके बना सकते बोल रहे थे ना, बताइए। आइए आप बताओ ना, है ना अभी फिलहाल जी जी। भाई बता रहे थे कुछ, बोलिए। जो मुर्गी है जी,
अच्छा, बाजू वालों के भी ऊंचाई पे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर सकते अपन, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर सकते, वैसे ही थे ये खाली सीढ़ियाँ ऐसा जाने के, उधर वालों के सीढ़ियाँ उधर रहेंगे जी। तो ये लेवल में ले सकते बता रहे हैं आप? ले सकते। तो चलिए देखिए भाई, लेवल में ले सकते आप लोग, आइए एक बार देखिए जो भाई रेट बता रहे हैं। यहाँ के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, आप भी आके क्रॉस चेक करिए। अल्लाह हाफिज़।